एक्सपायरी का दिन है, अगस्त सीरीज की एक्सपायरी हो रही है और हम ट्रेड कर रहे हैं 86-73 के लेवल पे, यानी कि जो जीबन्स का पोल था बिल्कुल सटीक 86-60 और 87-20 के बीच में एक्सपायरी कटने की उम्मीद है। स्टॉक्स पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव और मुद्दा यह है कि क्या कोई ऐसी वेबसाइट हो सकती है जो आपको स्टॉक मार्केट पे निवेश कराए, करेंसी मार्केट पे, कॉमोडिटी मार्केट पे एक्सपोजर हो और वो सेबी के परव्यू के बाहर हो, यानी कि एक गेमिंग वेबसाइट जो कहे कि एक वर्चुअल स्टॉक गेमिंग है, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में या कॉमोडिटी मार्केट पे, लेकिन गेमिंग है और सेबी के परव्यू से बाहर है, यानी कि सिक्योरिटीज एक्ट के बाहर है, क्या ऐसा हो सकता है? और जी हां, एक ऐसी वेबसाइट है प्ले स्टॉक रेस, यानी कि stockrace.in, जो कि राज कुंद्रा मशहूर उद्योगपति और शिल्पा शेट्टी के पति चला रहे हैं। इस पर डिटेल में बात करते हैं, मेरे सहयोगी तरुण मेरे साथ जुड़े हैं मुंबई से। तरुण, एक तो डिटेल से समझाएं ये वेबसाइट किस तरीके से काम काज करती है और क्या ये सेबी के परव्यू से बाहर है? बिल्कुल, तो मैं बताना चाहूँगा, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा एक ऐसी वेबसाइट चला रहे हैं जिसका नाम है stockrace.in, जो कि प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि एक तरीके का गेमिंग वेबसाइट है, लेकिन जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं उसमें निफ्टी के स्टॉक्स, कमोडिटी और करेंसी को रखा गया है। और जो लाइव फीड यहाँ पे इस वेबसाइट को मिल रहा है वो NSE से मिल रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से लाइव फीड लिया जा रहा है। और इसमें आपको मेंबरशिप लेनी होती है, मेंबरशिप की जो कीमत है वो 1,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक है। और उसके बाद आपको 60 सेकंड में अपना एक ट्रेंड बताना होगा कि मार्केट किस तरफ जा सकता है, जो निफ्टी है वो किस तरफ जा सकती है। और यदि आपका ट्रेंड सही होता है तो आपको कई पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट्स को रिडीम किया जाता है। और रिडीम में यदि आप 10,000 पॉइंट्स से लेकर यदि 5,00,000 तक के पॉइंट्स हैं तो आपको जो गिफ्ट यहाँ पर हैम्पर stockrace.in यहाँ पर प्रोवाइड करता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी के लिए, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट्स जो है वो करेंसी, कमोडिटी और निफ्टी है, तो इसके लिए सेबी का अप्रूवल इसके पास नहीं है, इस वेबसाइट के पास। लेकिन फिर भी वो ये वेबसाइट चला रहे हैं। जो हमारे सेबी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सेबी भी इस वेबसाइट का जो बिजनेस मॉडल है उसकी जांच कर रहा है कि किस तरीके से कामकाज करती है। लेकिन जब हमने stockrace.in से बात करने की कोशिश करी तो उनके और ये पूछा क्या उनको सेबी के अप्रूवल की जरूरत है, तो उनका साफ तौर से कहना था कि कई और ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस तरीके का ट्रेड कराती हैं, वो भी सेबी के प्रव्यू में नहीं आती है। जैसे उन्होंने इंडियन ट्रेडिंग लीग का नाम लिया, moneybhai.com का नाम लिया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि moneybhai.com आपको पैसा आपको नहीं लगाना होता, वो आपको एक वर्चुअल मनी आपको वो प्रोवाइड कराते हैं, उसके हिसाब से आप स्टॉक ले सकते हैं। और इंडियन ट्रेडिंग लिंक पे ऑलरेडी सेबी ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है, तो लिहाजा अब जो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की जो वेबसाइट है stockrace.in वो सेबी की रडार पर है। लेकिन यूएस में इसी तरह की साइट को बंद कराने के नियमों की जांच कर रहा है सेबी, यानी कि सेबी को भी इतनी क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार ये जो गेमिंग वेबसाइट्स हैं इनको कैसे टैकल किया जाए और इसमें लीगल स्टेप्स क्या होंगे, यही मुद्दा है इस एक्सक्लूसिव खबर का। मेरे साथ जैन गुप्ता साहब जुड़े हैं, फॉर्मर ईडी सेबी के। गुप्ता साहब, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, यही बात कर रहे हैं, ये जो वेबसाइट सामने निकल के आ रही है stockrace.in, राज कुंद्रा की वेबसाइट, वर्चुअल स्टॉक गेमिंग की वेबसाइट है, लेकिन ये जो गेम खिला रहे हैं ये है करेंसी, कॉमोडिटी और निफ्टी के स्टॉक्स में, क्या सेबी की मंजूरी के बिना ऐसा करना लीगल है? देखिए, मेरा तो पहले से मानना ये है कि ये किसी भी हालत में लीगल नहीं है, क्योंकि आप अगर इसको देखें कि जो भी काम हो रहा है, चाहे गेम हो रहा हो, चाहे उसको फायदा दे रहा हो, चाहे पैसा दिया जा रहा है, अल्टीमेटली एक बेस किया जा रहा है स्टॉक प्राइस के ऊपर, जो लाइव प्राइसेस हैं। तो अगर आप सेबी की निगाह से देखें तो मेरे हिसाब से इसमें सबसे पहले से लगता है कि एक डब्बा ट्रेडिंग बना है, कि ना इसमें कोई शेयर को खरीद रहा है ना बेच रहा है, कोई डिलीवरी नहीं हो रही है, लेकिन जो शेयर प्राइस का उतार चढ़ाव है उसके बेसिस पे आपको सेटलमेंट हो रहा है, चाहे उसको प्राइस बोलें या गिफ्ट बोलें, कुछ भी बोलें, चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो, ये अल्टीमेटली डिफरेंट सेटलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं। दूसरा है कि कोई भी चीज अगर स्टॉक प्राइसेस और लाइव स्टॉक प्राइसेस के बेसिस पे करी जा रही है तो मेरे हिसाब से ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का वायलेशन है, क्योंकि किसी तरह की एक स्टॉक एक्सचेंज चलाई जा रही है जिसमें ना कोई रेगुलेशन है ना कुछ है। तीसरा, अगर ये देखें तो ये अंडरलाइन जो है इस चीज का, ये स्टॉक प्राइसेस है, स्टॉक्स है, शेयर्स हैं,
तो एक तरह से ये डेरिवेटिव भी माना जा सकता है, लेकिन इसको नहीं। गुप्ता साहब, उस पे हमने बात की है कि क्या ये वर्चुअल स्टॉक गेम है या फिर डेरिवेटिव एक्सचेंज, इसको जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि अंडरलाइंग है स्टॉक थीम तो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव एक्सचेंज कहा जा सकता था, लेकिन उसमें मैनेजमेंट से भी बात की, वो भी मैं बताऊंगा आपको। मेरे साथ इस समय सुमित अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं, पार्टनर सुवन लॉ एडवाइजर्स के, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर है सेबी के। सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपने समय जीवन को देने के लिए। सर, हम ये जो बात करें इस वेबसाइट की stockrace.in की, और जी एन गुप्ता साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर ईडी सेबी के, आप पहले ये बताएं कि क्या ये इस तरीके की वेबसाइट को बंद करने पर सेबी कुछ कार्रवाई कर सकती है? क्या ये लीगल है ऐसी वेबसाइट बिना सेबी की इजाजत शुरू करना? थैंक यू। मैं इस बारे में बिजनेस के सारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि भारत में ऐसी कई वेबसाइट हैं जिनका दावा है कि वो आपको वास्तव में शेयर खरीदे बिना लिस्टेड और निजी कंपनियों पर पैसा बनाने का मौका देती हैं। परंतु ये सभी को जानना चाहिए कि शेयर और प्रतिविधियों का लेन देन सेबी के कानून के अंतर्गत आता है, चाहे ये लेन देन किसी भी तरीके से हो। और आजकल ऐसी कई सारी आभासी मुद्राएं हैं जिसमें रियल पैसा नहीं होता है, पर जैसे बिटकॉइन, लाइट कॉइन, फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स या कुछ वास्तविक रुपये से। और ऐसी स्कीमों के खरीददार और विक्रेताओं को बाजार के खेल में अलग अलग पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाता है। और कई सारी वेबसाइट्स ऐसा दावा करती हैं कि ये सिर्फ काल्पनिक ट्रेडिंग खेल है या कोई प्रतियोगिता है जिसमें आप कौशल या स्किल के आधार पर खिलाते हैं और इसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं है। पर सभी को ये जानना चाहिए कि ये सारे मामले सेबी एक्ट और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अधीन जांचे जाते हैं। बिना जाँच पड़ताल के तो ये कहना मुश्किल है कि ये स्टॉक रेस लीगल है या इलीगल। और इसमें स्कीम में जो पैसा जो साइन अप के लिए लिया जाता है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का चार्ज है या शेयर खरीदने बेचने के लिए? अगर शेयर खरीदना बेचना कंपलसरी नहीं है तो ऐसे स्कीमों को सीधे इलीगल कहना थोड़ा मुश्किल है। तो यानी कहीं ना कहीं गुत्थी और उलझ गई और सेबी के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। गुप्ता साहब, मैं आपके पास आता हूँ। जब हम ये बात कर रहे थे डेरिवेटिव एक्सचेंज की, यानी कि वर्चुअल गेमिंग सिस्टम कहा जाए या फिर डेरिवेटिव एक्सचेंज कहा जाए, जो हमने कंपनी से पूछा कि क्या ये डेरिवेटिव एक्सचेंज की तरह काम कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है मैनेजमेंट का कि देखिए वर्चुअल स्टॉक गेमिंग वेबसाइट है, डेरिवेटिव के लिए जरूरी शर्त यह है कि कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए और उसकी खरीद या बिक्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है इसमें, जबकि वर्चुअल स्टॉक्स को सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 नहीं माना जा सकता। जो भी खेलना चाहते हैं वो किसी सिक्योरिटी की खरीद या बिक्री का इरादा नहीं रखते, इस आधार पर डेरिवेटिव एक्सचेंज नहीं है। देखिए वर्चुअल स्टॉक क्या होता है, अगर आपने किसी एक्चुअल स्टॉक के बेसिस पे उस स्टॉक के प्राइस को रख रहे हैं तो वर्चुअल कहां हुआ? वर्चुअल तो ये होता है कि एक हाइपोथेटिकल स्टॉक हो, जीएन गुप्ता एंड कंपनी या जी इनकॉर्पोरेटेड जो भी हो, जी तो लिस्टेड है इसलिए कोई वो नहीं है, बट कोई एक ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो। यहां पे एग्जिस्टिंग स्टॉक के प्राइस के बेसिस पे सेटलमेंट कर रहे हैं, चाहे उसको आप प्राइस बोले या चाहे कुछ बोले, चाहे उसको एंटरटेनमेंट बोले। मेरा सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि ये जो वेबसाइट है या ये जो इनक है, ये किससे रेगुलेटेड है, किस एजेंसी के द्वारा रेगुलेटेड है? और अगर ये बोलते हैं कि हम किसी से रेगुलेटेड नहीं है तो क्या ये एंटरटेनमेंट टैक्स में, अगर आप इसको एंटरटेनमेंट बोलते हैं तो क्या एंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं ये, क्या एंटरटेनमेंट टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है? ये देखिए क्या होता है, कोई भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उसको कहीं ना कहीं तो रेगुलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोलते हैं इसके रेगुलेशन में नहीं आते हैं, उसके रेगुलेशन में नहीं आते हैं। अगर आपको किसी भी क्लाइंट से या किसी भी पब्लिक से पैसा लेके उसके पैसे से आपको काम करना है या उसको प्राइस देने हैं, अगर आप इसको कुछ भी नहीं मान लें, लॉटरी भी मान लिए तो लॉटरी भी रेगुलेटेड होती है। तो मैं तो बिल्कुल सीधा सीधा मानता हूँ कि ये FCRA का उल्लंघन है, क्योंकि आप शेयर प्राइस को बेसिस मान के प्राइस दे रहे हैं या सेटलमेंट इंसेंटिव दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। और अगर शेयर प्राइस में एक्चुअली डिलीवरी नहीं होती है तो हम लोग इसको सेबी में बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग, जिसमें क्या होता है कि आपने खरीद के लिए आज सवेरे जो शेयर ऑफ कंपनी ए है इसका जो दिन में जो उतार चढ़ाव हुआ वो हम लोग शाम को सेटल कर लेंगे बिना पैसा लिए दिए। तो ये चीज़ें अगर इससे वेबसाइट के थ्रू हो रही हैं तो इनडायरेक्टली तो ये डब्बा ट्रेडिंग, आप चाहे इसको कुछ भी नाम देने की कोशिश करें, लेकिन मेरी निगाह में तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का वायलेशन है। बिल्कुल रजत, मैं सुमित अग्रवाल से सवाल पूछना चाहूँगा। सुमित, ये ट्रेंड अभी इस कंट्री में नया है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में इस तरह की वेबसाइट ऑपरेट होती हैं, तो क्या जैसे हम यदि US का एग्जांपल लें तो क्या US की जो रेगुलेटर है SEC वो इस तरह की वेबसाइट को कब करने का उन्होंने अभी तक ऐसा कोई कदम उठाया? तरुण, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन।
एक्चुअली संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो कई लोगों ने इस तरीके की योजनाओं को चलाया है, और उनकी योजनाओं को चलाने के लिए वहाँ के रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने उन लोगों को जिन लोगों ने इस खेल के माध्यम से इन्वेस्ट किया और जो प्रमोटर्स जिन्होंने इन गेमों को चलाया उन सभी को दंडित किया गया था। आप अगर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो पिछले साल उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज इशू की थी जून में, जिसमें सभी इन्वेस्टर्स को अमेरिका के सारे सिटीजन्स को ये सतर्क किया गया था कि ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो गेम का नाम देके या ऐसी कोई ऐप का नाम देके मार्केट में खिला रही हैं और कंसिडरेशन वो पैसे की तरह ना लेके किसी और मुद्रा में ले रही हैं। तो बाहर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर क्या इंडिया में कोई पर्टिकुलर गेम सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट या सेबी एक्ट का वायलेशन है? इसके लिए उनका रेवेन्यू मॉडल को जांच पड़ताल करना पड़ेगा। भारत में ऐसी कुछ स्कीमें हैं जहां वास्तविक पैसा वो साइन फी जैसे प्रवेश शुल्क या हस्ताक्षर शुल्क के रूप में लेते हैं, और ऐसे निवेशक और खेलों के प्रमोटर दोनों बिना कानून जाने सेबी एक्ट के वायलेशन में आ सकते हैं, जिसके लिए उनको 10 साल की सजा और 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। चलिए, तो कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान तो है, लेकिन गुप्ता साहब देखिए, हमने एक और सवाल मैनेजमेंट से पूछा कि क्या Stocklist.in एक इंटरमीडिएट की तरह काम काज कर रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि इंटरमीडिएट लोगों के से सीधे पैसे जुटाती है और फिर कॉमोडिटी या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। हम इस गेम के जरिए किसी भी सिक्योरिटी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं करते, इस लिहाज से इंटरमीडिएट नहीं है। तो एक बहुत ही बारीक लाइन है सर, गैम्बलिंग गेमिंग इन्वेस्टमेंट के बीच में, इसको कैसे समझाएंगे आप? देखिए, मेरा तो सीधा सा मानना ये है कि पहले आप मुझे बता दो, मैं अगर मतलब जो प्रमोटर है उनसे सवाल करूंगा कि भाई आप किस कानून के दायरे में आते हो। अगर वो बोले मैं किसी भी कानून के दायरे में नहीं आते हैं तो ये बात तकलीफ जैसी चीज हो जाएगी कि मैं हिंदुस्तान में आप किसी पब्लिक के पैसे से खेल रहा हूँ, उसका पैसा जुटा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी कानून से बाध्य नहीं हूँ। दूसरी बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है कि क्या है। और मेरा सबसे दिलचस्प है कि क्योंकि इसमें स्टॉक प्राइसेस जो किसी ना किसी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे हैं, उस प्राइसेस को बेंचमार्क मान के आप प्राइस डिसाइड करते हो, उसके उतार चढ़ाव के बेसिस पे प्राइस डिसाइड करते हो। तो इनडायरेक्टली आपका जो गेन और लॉस है, जो प्राइस जिसको आप कुछ भी नाम देते हो, वो स्टॉक प्राइसेस के बेसिस पे आता है। तो मैं तो ये बोलना हूँ कि ये एक आप अगर मैं मतलब पूरा अपना व्यू दूँ तो मुझे तो लगता है कि इलीगल एक्सचेंज चला रहे हो, जहाँ पे ना सेटलमेंट सिस्टम है, जहाँ ना एक्चुअल बायर बाइंग होती है, ना खरीदारी होती है, ना बिकवाली होती है, ना मार्जिन होता है, ना किसी तरह का होता है। अब आप सोचिए कि अगर इस तरह मान लीजिए कल को हजारों लोगों ने इस वेबसाइट में पैसा जमा किया, इनके पास पैसा जमा किया और इन्होंने उसको कुछ नहीं दिया, तो एक तो इस तरह से CIS स्कीम में भी आ सकता है कि उन्होंने 10,000 लोगों से 15,000 लोगों से पैसा लिया। तो मेरा ये मैं तो सबसे पहले मेरा जानना ये है कि क्या मिस्टर राज कुंद्रा एंड शिल्पा शेट्टी जो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो इस तरह का जो रेगुलेटरी डोमेन में नहीं आता या जिसमें बाउंड्री क्लियर नहीं है, कहीं शक की गुंजाइश है, तो ऐसा बिजनेस करने की उनको जरूरत क्या पड़ी? राइट, गुप्ता साहब बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जो खबर ZBC एक्सक्लूसिव खबर है उस पर अपनी राय देने के लिए। और सुमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ ही तरुण आपका भी शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि क्या सेबी की जानकारी के बगैर, उनके मंजूरी के बगैर, कुछ कोई ऐसी वेबसाइट जो अपने आप को गेमिंग वेबसाइट कहती हो लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में एक्सपोजर ले रही हो, उस अंडरलाइंग थीम वो हो, क्या ऐसी कोई वेबसाइट ऑपरेट कर सकती है? तो ये नियमों के खिलाफ है, ऐसा अभिजीत गुप्ता साहब का कहना है।